वहीं मेयर दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है। थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार में उस वक्त दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखे जब दबंगों ने सारे बाजार लॉ की छात्रा को जमकर पीटा। दबंग छात्रा को सारे बाजार घसीट घसीट कर पीटते रहे। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गेस्ट हाउस के संचालक के कहने पर टेस्ट ट्यूब के जरिए बेबी तैयार करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद तो हॉस्पिटल के संचालक ही नहीं बल्कि कंपाउंडर से लेकर स्टाफ नर्स तक छात्रा के साथ मारपीट करने में जुट गए। छात्रा गेस्ट हाउस में नौकरी करती है। उधर छात्रा ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। इस मामले में पहले तो पुलिस भी लीपापोती करती रही लेकिन बाद में मीडिया में खबर आते ही रिपोर्ट दर्ज कर 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी बहुत पिटाई करी, बहुत सारे लोग थे, बहुत मुझे मारा और मुझे गाड़ी में डाल के मेरे अपहरण करने की कोशिश की थी। मैं बहुत मुश्किल से बचा के अपनी जान बचाई, फिर ही मुझे सड़क से खसीड़ते हुए फिर दोबारा रूम में ले गए, मुझे बहुत मारा। फिर उन्होंने मुझे रोज मुझे कॉल कर करके अमित मरिंडा, नासिर तैमूर और सपना चौधरी रोज कॉल करवा रहे थे कि तुझे जान से मार देंगे, मेरे छोड़ दे। इसमें विवेचना के उपरांत 5 लोगों को हम लोग द्वारा गिरफ्तार करके पांच लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं मानता हूं कि प्रशासन को जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह की घटनाएं लगातार वहां बढ़ रही हैं तो प्रशासन की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो कि इस तरह की जो घटनाओं में लोग संलिप्त हैं या घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर या पुलिस को लेकर एक खौफ। इससे ये साफ साबित होता है कि महिलाओं की सुरक्षा अब भी एकदम सुनिश्चित नहीं है बल्कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ती जा रही है और हम एडवा की ओर से इसके खंडन करते हुए हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि तुरंत अपराधियों को सही ढंग से उनकी पता लिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। घटनाओं को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दबंगों में अब कानून का खौफ नहीं रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल कादिर जुड़ चुके हैं। कादिर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर दबंगों का जो चेहरा सामने आया है उससे साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कानून का खौफ दबंगों में अब नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं प्राची कि दबंगों में जो है बिल्कुल खौफ नहीं है पुलिस का। जिस तरीके से उस छात्रा को उन्होंने सरेराह पीटा है और जमकर लात घूंसों से उसकी पिटाई करी है उससे साफ जाहिर होता है कि दबंगों के अंदर कोई भी खौफ नहीं है पुलिस का। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 फरवरी में ये घटना होती है उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस ने इस मामले को दबाए रखा। जब ये मीडिया में मामले को जाहिर हुआ उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने उन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। जी अब्दुल, जो ये घटना सामने आई है शर्मसार कर देने वाली घटना है और वो जो तमाम वादे हैं दावे हैं महिला सुरक्षा को लेकर उन पर भी सवाल खड़े कर देती है कि कहाँ है महिला सुरक्षा, कितनी महफूज है महिलाएं। जी बिल्कुल, सरकार भले ही कितने दावे कर ले लेकिन जो महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार लूट हत्याएं और इस तरीके से छात्राओं को जो है सरेराह पीटा जा रहा है उससे लगता है कि काफी जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं। जी अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो महिलाओं की सुरक्षाओं पर जहां सवाल खड़ा होता है आए दिन तो वहीं ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है, क्या कानून का खौफ अब नहीं है दबंगों में, अब नहीं है बदमाशों में जो सरेआम वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इलाहाबाद के छोटा भागड़ा इलाके में सामान खरीदने को लेकर छात्रों और दुकानदारों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पैसे के विवाद में जन्मे इस विवाद की आग 2 दिनों पहले की है। छात्रों ने छोटा भागड़ा इलाके की कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। इतने पर भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो छात्रों ने कई दुकानों में एक साथ आग लगा दी और जिसने भी छात्रों को रोकने का प्रयास किया छात्रों ने उसे जमकर पीटा और घरों पर पथराव किया।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ सभी आला अधिकारी पहुंच गए। गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर स्थिति काबू में आई। हालांकि इलाके में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ने संबंधी विवादित बयान देने पर ओबामा पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील सुशील मिश्र ने अर्जी दाखिल की है, जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मंजूर करते हुए 18 फरवरी से सुनवाई शुरू किए जाने का आदेश जारी किया है। 18 फरवरी को वादी और दो गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद संतुष्ट होने पर अदालत अमेरिकी राष्ट्रपति को समन जारी कर सकती है। अदालत से जारी होने वाला समन उनके भारत आने पर ही लागू होगा। वकील सुशील मिश्र ने अर्जी में कहा है कि बराक ओबामा के इस बयान से दुनिया भर में न सिर्फ भारत की छवि खराब हुई है, इस बयान से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मानहानि की है। इसलिए आईपीसी की धारा 500 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत के संदर्भ में दिए गए बयान कि भारत में इधर धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है, यह कहकर उन्होंने भारत की तुलना इराक और सीरिया जैसे देशों से करके भारत का अपमान किया, इसके विरुद्ध मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि जब पवित्र कुरान को वहां के पादरी ने खुलेआम जलाया तब आपको धार्मिक असहिष्णुता की याद नहीं आई? तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ का मामला दर्ज कराया गया है इलाहाबाद के कोर्ट में। बराक ओबामा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बयान दिया था कि भारत में जो आपसी प्रेम है, जो भाईचारा है, या फिर हम कह सकते हैं जो धार्मिक भावना है भारत में, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, जिसको लेकर अब विरोध जताया गया है और मानहानि का केस दर्ज किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ। साफ तौर पर ये बातें कही गई हैं कि इस बयान से जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, उसका अपमान हुआ है। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है, पूरा मामला ये क्या है? बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस तरीके से यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, जो कहा था कि कई ऐसे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने जो भारत देश का अपमान किया है उसको देखकर इलाहाबाद की जो है एक वकील है जिन्होंने जो है कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है अपने भारत देश का अपमान किया है, और ऐसे में उनको जो है उनके खिलाफ जो है मानहानि का दावा करना चाहिए और केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में ये केस को सुनवाई करते हुए फिलहाल मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है जी। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि केस दर्ज होता है जी। रविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद में आबकारी इंस्पेक्टर को गोली लगने की कहानी पुलिस ने झूठी साबित कर दी है। ये गोली किसी शराब माफिया ने नहीं चलाई थी, बल्कि गोली शादी की एक पार्टी में लगी थी। ये पार्टी मुरादनगर के मोटा गांव में थी और शादी में शिरकत के लिए आबकारी इंस्पेक्टर वरुण सिंह भी गए हुए थे। डीजे पर डांस के दौरान संदीप त्यागी नाम के शख्स का तमंचा नीचे गिर गया और उससे चली गोली इंस्पेक्टर वरुण सिंह की पिंडली में जा लगी। उसके बाद लोग उन्हें लेकर शहर के श्याम हॉस्पिटल में आए, वहां ड्रेसिंग के बाद वरुण सिंह घर चले गए। ये पूरा खुलासा खुद उस शख्स ने किया है जिसके तमंचे से गोली चली और इंस्पेक्टर वरुण सिंह को लगी। घर पहुंचने के बाद सुबह वरुण सिंह कोलंबिया अस्पताल पहुंचे और शराब माफियाओं से मुठभेड़ की फर्जी कहानी रच डाली। इस कहानी में आबकारी विभाग के सीनियर अधिकारियों ने भी अपना रोल बड़ी ही खूबसूरती से अदा किया। बहरहाल पुलिस ने गोली मारने वाले शख्स संदीप को अरेस्ट कर लिया है। संदीप के कब्जे से दो तमंचे, एक पिस्टल, पिस्टल की दो मैगजीन, पिस्टल की 25 बुलेट, 315 बोर के 35 कार्टेज भी बरामद किए गए हैं। से इनके पास से तमाम अवैध असलहों का एक जखीरा मिला है और संदीप त्यागी ने बताया है कि ये कहीं से अवैध रूप से इसको इन्होंने खरीद करके रखा हुआ था, और एक उसमें से जो तमंचा है जिसमें एक कार्टिजेस, एम्प्टी कार्टिजेस मिली है, उसी तमंचा से ये घटना घटी है जिससे एक्साइज इंस्पेक्टर को गोली लगी।
राजधानी दिल्ली से नोएडा के लिए अपनी पल्सर बाइक से आ रहे युवक ने यमुना में छलांग लगा दी। राहगीरों ने जब युवक को कूदता हुआ देखा तो 100 नंबर डायल कर दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। आनंद फानंद में पुलिस और दिल्ली पुलिस ने 4 गोताखोरों को बुलाकर युवक को तलाशने के लिए यमुना में लगाया, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहीं दिल्ली पुलिस युवक की पहचान भी करने में लगी हुई है। तो युवक ने यमुना में छलांग लगा दी। पल्सर बाइक से वो आया था और अपनी बाइक रोककर उसने यमुना में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोरों को भी बुलाया गया और उस युवक को तलाशने में गोताखोरों की टीम को लगाया गया। हालांकि अभी तक युवक का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। इसके साथ साथ पुलिस उस युवक की पहचान भी कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो युवक कौन था। तो ये घटना दिल्ली की है, जहां पर युवक ने यमुना में छलांग लगा दी, जिसकी वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, गोताखोरों को बुलाया गया और उस युवक की तलाश में इन गोताखोरों को लगाया गया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। युवक को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। सवाल ये भी है कि युवक कौन था, कहां से आया था और किस लिए उसने यमुना में छलांग लगा दी। संजीव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कल एक युवक जो है दिल्ली की तरफ से पल्सर बाइक से नोएडा की तरफ आ रहा था। जो तो डीएनडी जो फ्लाईओवर है जो दिल्ली क्षेत्र में, वही यमुना नदी के ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है, वहाँ पल्सर अपनी बाइक खड़ा करता है, उसके बाद यमुना में छलांग लगा देता है। उसके जैसे ही वहाँ डीएनडी सुरक्षा कर्मियों ने युवक को देखते हैं, उसके बाद वो डीएनडी प्रशासन को सूचित करते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ रात भर चलाया, लेकिन जो युवक है उसका शव अभी तक भी नहीं मिला है। जी जी संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बसपा सरकार में लैकफेड घोटाले के आरोपी 4 पूर्व मंत्रियों को लखनऊ सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। माया सरकार में कद्दावर मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा, बादशाह सिंह, चंद्रदेव राम, बाबू सिंह कुशवाहा समेत आईएएस अधिकारी रामबोध मौर्य, बैंक मैनेजर दीपक दवे समेत प्रवीण सिंह को भी बरी किया गया है। लखनऊ सेशन कोर्ट ने सभी को बरी किया। इनके बारे में जांच एजेंसी एसआईबी पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई। वहीं पूर्व मंत्री का कहना है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया था। जांच कर रहे अधिकारियों के चलते उन्हें 2 साल जेल में काटने पड़े हैं। पूर्व मंत्रियों ने सपा सरकार पर भी निशाना साधा और लैकफेड घोटाले की जाँच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मुझे जेल में डाल दिया गया, 2 साल मेरा कैसे वापस होगा? फिर हमको मेरठ स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार से अगर एक राजनीतिक 20 वर्ष में विधायक रहा, जनता का सेवा किया, 10 वर्ष मिनिस्टर रहा और हमको इस ढंग से अगर फंसाया गया, तो इस पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, कि यह समीक्षा करें। जब सपा गवर्नमेंट ने ओथ लिया, उसके बाद से ही इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट शुरू किया और बारी बारी से अलग अलग तरीके से इन लोगों को बनाए मुलजिम, और जो मुलजिम होने चाहिए तो उनको गवाह बना के पेश किया। हालांकि कोर्ट ने उन लोगों को तलब कर लिया है सेठ मुलजिम, और वो आएंगे तो अपना ट्रायल फेस करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।